मध्य प्रदेश के रीवा में दिन दहाड़े एक दसवीं की छात्रा के अपहरण का प्रयास किया गया, लेकिन छात्रा अपनी सूझबूझ से अपहरणकर्ताओं को चकमा देकर भाग निकली और सीधा पुलिस के पास पहुंची, जिसके बाद उसने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिस मामले को गंभीरता से लेकर चल रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। आपको बता दें कि बाल भारती स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा का अपहरण उस वक्त हो गया जब वह स्कूल से अपना दसवीं का पेपर देकर घर के लिए निकली थी। हालांकि छात्रा ने पुलिस के पास पहुंच अपनी आपबीती बताई है। अभी छात्रा के स्टेटमेंट लिया थोड़ा सा, ज़्यादा बता तो नहीं रही है, थोड़ा बहुत उसने भी बताया उसने कि ये ज्योति स्कूल में इसके टेंथ के एग्ज़ाम थे इसके, तो वहाँ पेपर देने आई थी ये वहाँ पर, और 1:30 बजे करीब इसका पेपर छूटा और वहाँ पर इसके पिताजी भी वहाँ पहुँच चुके थे और पिताजी को बच्चे ने देख भी लिया था कि आ गए, नैनी को ने हाथ भी दिया। और ये इसके बताने के अनुसार कि जैसे स्कूल छोटे पिताजी को उसने देख लिया, इसकी फ्रेंड थी तो उसको वो आइसक्रीम पार्लर तक छोड़ने गई थी घर के कि यही भीड़ भाड़ है तो पहले फ्रेंड को छोड़ दूँ उसके पास जाऊँ, वहाँ से लौट रही थी बोला तो एक ब्लोरो को ही खड़ी थी ऐसे बताया, उसके बताया अनुसार वहाँ से एक व्यक्ति आया और उसने इसका हाथ पकड़ के और गाड़ी में इसको बैठा के ले गया, थोड़ा से बेहोश हो गए थे, उसमें कुछ सुई टाइप का जो ऐसा उसको बताया अनुसार मतलब, तो मैं बेहोश हो गई करके उसने हाथ पकड़ के खींचा और मुझे गाड़ी में बैठा के ले गए। उसके बाद इसको होश आया तो किसी सुनसान जगह में मतलब होश आया, इसको जगह का नाम नहीं बता पा रही कहाँ पर, फिर यहाँ से गेट खोला उसने, पीछे वाले गेट पर बैठी और उसने गेट खोला और वहाँ से भागा, उसके पीछे भी ये भागे मतलब ऐसे बता रही सर, पब्लिक आदमी को किसी को कुछ नहीं बताया इसने कि मेरे साथ ऐसी कुछ घटना हुई है। ये फ्लाई ओवर पास वहाँ पहुँची तो वहाँ कोई पुलिस वालों को बता रही कि उनने उनको देखा तो उनको बताया कि मेरे साथ इस प्रकार की घटना हुई है, उसके बारे में आई जी ऑफिस में उनको लेके गए थे। इसके बाद लड़की का मेडिकल कराया है, कुछ हाथ में मतलब चाकू या फिर ब्लेड से कि निशान है मतलब, अब वो कैसे हैं मतलब अभी कन्फर्म नहीं है मतलब कि नहीं है बोल रही है, एजेंट थे बोल रही है उसके बताया अनुसार, तीन लोग का बता रही है वो, उसके बताए अनुसार तीन लोग थे, उनको पहचानती नहीं है उनको। अब ये भी है कि वहाँ पे अभी किसी ने देखा नहीं मतलब, वहाँ पे भीड़ भाड़ वाला था, स्कूल पूरा छूटा हुआ था, सभी के पेरेंट्स वहाँ पे आए हुए थे और सारे बच्चे भी निकल रहे थे, पर और किसी ने मतलब पब्लिक आदमी ने देखा नहीं घटना के बारे में, बच्ची ने सारी चीज़ बताया, उसके पिताजी को भी नहीं पता था कि मेरी बच्ची को कोई लेके चला गया, जबकि